Ustad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज नामपल्ली कॉन्स्टेंसी में हम लोगों ने एक वन डे तेलुगु वर्कशॉप का कैंप रखा, जिसमें काफ़ी तलबा आए यहाँ पे, क्योंकि तेलुगु माइनॉरिटी के बच्चों के लिए बहुत काफ़ी टफ और मुश्किल है. इसके लिए कुछ एक हम इनिशियल स्टेप सोचे. जो हमारे सर है तेलुगु के पंडित अब्दुल समद साहब, इनका आज हम यहाँ पे वर्कशॉप रखे, और इनकी हमारी तरफ से इंसान फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे गाइड्स भी प्रोवाइड करे. काफ़ी बच्चे आए और अच्छा एक्सप्लेनेशन दिए, अपने डाउट्स पूछे. ये काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे तेलुगु में काफ़ी वीक है और तेलुगु और उर्दू को यहाँ पे अहमियत देना चाहिए. मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो इस कैंप को सक्सेस करे, और मेरी जितनी टीम है, जिसमें हमारे यासीन भाई है, आयशा मैडम है, मसूद भाई है, मुरली अन्ना है, फरहान है, ये तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये मेरी इंसान फाउंडेशन की टीम हर सोशल वर्क में रहती है. और हम लोग मज़ीद ये प्रोग्राम डिसाइड करे हैं कि हमारी नामपल्ली कॉन्स्टेंसी में जितने स्कूल्स है, जितने 10th क्लास के स्टूडेंट्स है, हम हर स्कूल को जाएंगे और बराबर ये गाइड्स पहुँचाएँगे. और मज़ीद कोई दूसरे लोग भी है, जैसा कि टोली चौकी के थोड़े स्कूल्स वाले आए, मुरादनगर के थोड़े स्कूल वाले आए, और हमारे हैबिट्स के थोड़े स्कूल वाले आए. ये लोग को हम बिल्कुल इंशाल्लाह हमारे गाइड्स जो है बिल्कुल हम पहुंचाएंगे. हमारे से जितना होता हम बिल्कुल करेंगे. और पढ़ाई तालीम को हमको प्रेफरेंस देना चाहिए, और तेलुगु हमारे लिए मुश्किल है. तो मैं गवर्नमेंट से भी ये मुतालबा करता हूँ कि थोड़ा तेलुगु पे भी तवज्जो दीजिए और उर्दू पे तवज्जो दीजिए. जिसको तेलुगु नहीं आती उनको आसानी करिए तेलुगु के लिए, ऐसे मास्टर्स को अपॉइंट करिए, ऐसे वर्कशॉप्स हर जगह पे लगाइए, हर एरिया में लगाइए. ये कोई बड़ा काम नहीं है. और दूसरी चीज़, जिसको उर्दू नहीं आती, जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको उर्दू नहीं आती, तो उनके लिए भी ये एक वर्कशॉप स्टार्ट करिए. इंशाल्लाह हम अभी ये इनिशियल तो स्टार्ट कर दिए हैं, और इसको इंशाल्लाह ये कारवां लेके हम आगे बढ़ेंगे. और हम आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारा इसमें साथ दीजिए. ये कोई पॉलिटिकल नहीं है या कुछ नहीं है, बस सिर्फ एजुकेशन तालीम हमारे लिए. इस्लामी एतबार से भी हम तालीम में आफ्ताब रहना चाहिए, इल्म की रोशनी हमको बिल्कुल मिलना चाहिए. उसके लिए आज हम नामपल्ली में ये मल्लपल्ली डिवीज़न में काम स्टार्ट करें. यहाँ से हम तमाम पूरी नामपल्ली में करेंगे, अल्लाह चाहा तो पूरे हैदराबाद और तेलंगाना में करेंगे. शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम. कितने दिन का कैंप था ये? वन डे वर्कशॉप है. इसके बाद बच्चे अपीयर हुए आज? अल्हम्दुलिल्लाह 500 से 600 बच्चे आए, और पूरों को गाइड प्रोवाइड करें हम लोग. हमारे समद साहब, अब्दुल समद साहब इसको फॉलोअप करें, मास्टर आप ही थे. नेक्स्ट कैंप आपका कहाँ पे है? नेक्स्ट हमारा हर कॉन्स्टेंसी में, और हमारी कॉन्स्टेंसी में जितने स्कूल से हम लोग पर्सनली जाएंगे और हर स्कूल को गाइड पहुंचाएंगे. और उसके बाद मजीद जो डाउट्स रहेंगे हम उसके लिए समद भाई को प्रोवाइड करेंगे. आगे हुआ तो हम एग्जाम से पहले फिर एक बड़ा वर्कशॉप रखेंगे. शुक्रिया. थैंक यू भाई. अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आज इंसान फाउंडेशन की जानिब से मल्लपल्ली में ये उस्मान अहमद खान के निगरानी में ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया. और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा हासिल करें, और बहुत सारे पेरेंट्स अपने अपने खुशियों का इजहार करें. ऐसे प्रोग्राम्स बहुत फ़ायदेमंद रहे. हमारे बच्चे तेलुगु में बहुत परेशान है, तो इस परेशानियों को दूर करने के लिए आपका जो काम किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदेमंद रह रहा. बल्कि खुशी भी महसूस हो रही, और इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम्स आने वाले दिनों में भी. और यहाँ पर मेटेरियल भी डिज़ाइन किया गया, हमारे वो मेटेरियल भी डिस्क्रिप्शन किया गया, और एवरी ईयर वो हमारा जो मेटेरियल जो हम दे रहे हैं वो फ़ायदेमंद साबित हो रहा. बहुत सारे बच्चे हमारे उसका फ़ायदा हासिल भी कर ले रहे हैं, और हमारे को उसकी वो लोग जो रिस्पांस दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, वो फीडबैक से क्या, और हम और आगे हमारी हिम्मत अफजाई होती जा रही है, और हम ये काम करते जा रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे भी ऐसे प्रोग्राम चलते रहेंगे, करते रहेंगे. शुक्रिया.